एप्लीकेशन है इस जो सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले का, और अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, मतलब आप डे टू डे लाइफ में उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले, ₹200 फॉर फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर थर्ड डे एटसेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन दैट फॉर द प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। ठीक है, पहले दिन अगर मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम को लेट कर देता है तो उसको पहले दिन एज अ पेनल्टी कितने रुपए देने पड़ते हैं, ₹200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, मतलब 50-50 रुपीस ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसने जो वर्क लिया था उसको वो 30 डेज लेट कर चुका है, कितना 30 डेज, तो मतलब पहले दिन वो कितनी पेनल्टी देगा 200, दूसरे दिन कितनी देगा 250, तीसरे दिन 300 एंड सो ऑन, है ना। ये कहाँ तक चलेगा, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे कितने दिन पेनल्टी देगा वो, पहले दिन तो उसे 200 दे दी, दूसरे दिन 250 दे दी, तीसरे दिन 300 दे दी, चौथे दिन 350 देगा, ऐसे वो 30 डे तक 50-50 रुपीज इंक्रीज करके पेनल्टी देता ही रहेगा। तो पूछ रहा है तो उसने टोटल कितनी पेनल्टी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए है वो कितना है 200, फर्स्ट जो टर्म है 200 से स्टार्ट हो रहा है, डी क्या होगा 250 माइनस 200 जो कि होगा 50, क्योंकि पता ही है 50-50 रुपीज से पेनल्टी क्या हो रही, बढ़ रही है। अच्छा, थर्ड एन, एन क्या होगा 30, क्योंकि कितने दिन तक वर्क डिले हुआ है 30 डेज तक, तो ए भी है डी भी है और एन भी है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एस एन जो कि होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे आपको करना है एस 30, क्योंकि वर्क कितना डिले हुआ है 30 दिन, है ना, पहले दिन 200 पेनल्टी दे दी, दूसरे दिन 250, ऐसे 30 डेज तक वो पेनल्टी देता रहेगा 50-50 रुपीज़ इंक्रीज करके। तो उसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा 30/2, क्योंकि एम कितना है 30, 2a, a कितना है 200, तो 2 इंटू 200 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन 30 माइनस वन कितना होगा 29, और d कितना है 50, तो 29 इंटू 50, ओके। तो ये हो जाएगा एस 30 इक्वल्स टू 30/2 क्या हो जाएगा 50, 2 इंटू 200 क्या हो जाएगा 400 प्लस 29 इंटू 50, तो मैं जीरो पहले दूँ 5 9 45, 5 यहाँ 4 कैरी, 5 2 10 और 4 1 4 50। ठीक है, तो अब आपकी कैलकुलेशन बचती है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 400 और 1450 जो कि हो जाएगा 1850, है ना। तो 0, 15, 5, 75, 5, 15, 8, 127, 127, 2, 7, 750, तो कितनी पेनल्टी देगा ₹27,750 वो एज अ पेनल्टी पे करेगा अगर वो वर्क 30 डेज जो उसने लेट कर दिया।